ईवीएम भोटिंग को नहीं सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय। वीवीपैट जांच मामला खारज करछंती सुप्रीम कोर्ट को दुई जणिया खंडपीठ। वीवीपैट बदल रे बैलेट पेपर रे वोट पाई होइतबा आवेदन को सुप्रीम कोर्ट खारज करछंती। एथि सहित ईवीएम रो 70% जांच मामला खारज होइछि। वीवीपैट संपर्कित समस्त मामला खारज करछंती सुप्रीम कोर्ट। ईवीएम द्वारा ही वोट हेबो बोली स्पष्ट करछंती सुप्रीम कोर्ट। वोटिंग परे 45 दिन पर्यंत वीवीपैट स्लिप सुरक्षित रखा जिवो। जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए, और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करे। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।